जैसलमेर जिला कलेक्टर नमित मेहता आज अचानक राजकीय जवाहर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने निशुल्क दवा केंद्रों का निरीक्षण किया और निशुल्क दवाइयों की जानकारी भी ली। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि मरीजों को बाहर की दवाइयां नहीं खरीदना पड़े। इस दौरान जिला कलेक्टर ने मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली और अव्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई, साथ ही अव्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। यहाँ पर थोड़ा जान मतलब कर तो रहे लेकिन जानकारी का अभाव नहीं रहे, इसलिए पीएमओ साहब को कहा है कि सब जगह बैनर्स लगा के और सभी दवाइयाँ फ्री होने की जानकारी दी जाए। साथ ही जो सफाई की और वो व्यवस्था है उसको भी और कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसके लिए ठेकेदार को भी पाबंद किया गया है और जो हमारे यहाँ पर जो हॉस्पिटल के जो प्रबंधक एक मैनेजर का जो पद है उनको भी निर्देशित किया गया है। अगले 4-5 दिन में मैं एक बार वापस से अस्पताल आऊँगा। जो आज जो जिन बातों पर चर्चा हुई है पीएमओ साहब के साथ, तो उसको देखेंगे कि उस पर कार्रवाई हो, और कार्रवाई यदि नहीं होती है तो संबंधित जो भी डॉक्टर साहब रहेंगे या संबंधित जो ठेकेदार है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।